देखेंगे आईयूपीएसी नामकरण के महत्वपूर्ण नियम। तो हेडिंग क्या है हमारी, आईयूपीएसी नामकरण के महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम आईयूपीएसी नामकरण के महत्वपूर्ण नियम, इसमें सबसे पहला नियम है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिस्थापियों को। प्रतिस्थापियों को किस क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापियों को लिखेंगे। और सेकंड नियम क्या है कि उनकी जो स्थिति है वो जो प्रतिस्थापियों की स्थिति उनके नाम के तुरंत पहले लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला नियम कौन सा है, प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापियों को क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो हमारा द्वितीयक पूर्व लग्न था उसमें हमारा फॉर्मूला था द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न व द्वितीयक अनुलग्न। तो सबसे पहले द्वितीयक पूर्व लग्न था, द्वितीयक पूर्व लग्न में किसे लिखा जाता है, प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। सेकंड नियम क्या है, प्रतिस्थापियों की स्थिति उनके नाम के तुरंत पहले लिखते हैं। प्रतिस्थापियों की स्थिति उनके नाम के तुरंत पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापियों को वर्णमाला क्रम में लिखेंगे और उनकी स्थिति है उनके नाम के तुरंत पहले लिखते हैं। तीसरा नियम कौन सा है कि यदि एक से ज़्यादा समान सरल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाँच के लिए पेंटा, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो लिखते हैं नियम, यदि एक से ज़्यादा समान सरल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, इस प्रकार से उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यदि एक से ज़्यादा समान सरल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, इस प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट चौथा नियम क्या है कि सरल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए काम में लिया गया ये डाई ट्राई टेट्रा है, इनका जो वर्णमाला क्रम है शामिल नहीं किया जाता। क्या है, सरल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए काम में लिया जाने वाला डाई ट्राई टेट्रा वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता। क्या है नियम कि सरल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए काम में लिया जाने वाला डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार के वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रतिस्थापी है उसका नाम अलग है, उनकी संख्या बताने के लिए काम में लेते हैं हम डाई ट्राई टेट्रा। प्रतिस्थापी का ऑलरेडी नाम होगा तो उसको हम पहले लिखेंगे, लेकिन उसका स्थान बताने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए तो हम संख्या का काम में लेते हैं, तुरंत प्रतिस्थापी की स्थिति के नाम तुरंत पहले लिखते हैं, लेकिन जो उनकी संख्या बताने के लिए जो है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस प्रकार से है, उनका जो वर्णमाला क्रम में नाम जो वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट पाँचवा नियम है,
यदि एक से ज्यादा समान जटिल प्रतिस्थापी हो, यदि एक से ज्यादा समान जटिल प्रतिस्थापी हो, एक से ज्यादा समान जटिल प्रतिस्थापी हो, जटिल प्रतिस्थापी कौन से जिनमें पहले से डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार के वर्ड यूज में लिए गए हो। इस प्रकार के प्रतिस्थापी जटिल प्रतिस्थापी, जटिल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो दो के लिए बीस कोमा तीन के लिए त्रीस कोमा चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस, इस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है नियम? यदि एक से ज्यादा समान जटिल प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो दो के लिए बीस, तीन के लिए त्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस, इस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। जटिल प्रतिस्थापी से मतलब यहाँ पर है समान जटिल प्रतिस्थापी। एक ही प्रतिस्थापी दो या तीन बार आ जाए और उनमें पहले से ही उनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार से जो टर्म है यूज की गई है, तो उनके लिए दो के लिए तीन के लिए चार के लिए उनकी संख्या बताने के लिए बीस त्रिस टेट्राकिस इस प्रकार से काम में लेते हैं। छठा नियम कौन सा है? छठा नियम है कि जटिल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए काम में लिया गया बीस त्रिस टेट्राकिस। इस प्रकार से जो टर्म काम में लेते हैं उनको वर्णमाला क्रम में काउंट नहीं करते, वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं करते। नियम लिखते हैं, जटिल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए जटिल प्रतिस्थापियों की संख्या बताने के लिए काम में लिया गया बीस त्रिस टेट्राकिस को वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता। सेम उसी प्रकार का नियम है जैसे कि हमने एक से ज़्यादा सरल प्रतिस्थापी है उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार से काम में लिया था तो उनको वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया था। उसी प्रकार से जटिल प्रतिस्थापी के लिए काम में लिया गया बीस त्रिस टेट्रा किसको वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, सातवां नियम है जटिल प्रतिस्थापी के नाम में उपस्थित जटिल प्रतिस्थापी में उपस्थित डाई ट्राई टेट्रा को वर्णमाला क्रम में शामिल करते हैं, को वर्णमाला क्रम में शामिल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जटिल प्रतिस्थापी में ऑलरेडी उनका नाम होता है, उसके नाम में ही डाई ट्राई और टेट्रा वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब है आठवां नियम, यदि प्राथमिक अनुलग्न डाई वाई एनी डाइन ट्राइन इस प्रकार से हो तो शब्द मूल एल का लिखा जाता है, शब्द मूल एल का लिखा जाता है। क्या है नियम? कि प्राथमिक अनुलग्न डाइन डाइन ट्राइन हो तो शब्द मूल एल का लिखा जाता है। नौवा नियम कौन सा है? यदि द्वितीयक अनुलग्न कौन सा है? मुख्य क्रियात्मक समूह है। यदि द्वितीयक अनुलग्न का प्रथम अक्षर का पहला अक्षर
पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई हो तो, वाई हो तो जो प्राथमिक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न कौन सा होता है कि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड की जानकारी देता है, तो प्राथमिक अनुलग्न, अनुलग्न का अंतिम अक्षर, का अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है, ई हटा दिया जाता है, ई हटा दिया जाता है। क्या है नियम कि द्वितीयक अनुलग्न का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ई, प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है सी एच थ्री ओ एच, इसको लिखते हैं सी एच थ्री को क्या लिखते हैं मैथ, एल का क्या है इसका मैथ, प्लस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं एन, ए एन ई एन, प्लस ओ एच एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं क्रियात्मक समूह में ओ एच एल्कोहल है तो उसके लिए लिखते हैं ओ एल, तो इसका नाम क्या होगा। द्वितीयक अनुलग्न में ओ आ गया तो प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है, तो क्या बन गया एम ई टी एच ए एन, ई को हटा दिया डायरेक्ट ओ एल, मेथेनॉल। इस प्रकार से लास्ट नियम कौन सा है, दसवां नियम कि यदि मुख्य श्रृंखला में, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से ज़्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह हो, उस पर नियम है यदि मुख्य श्रृंखला में, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह हो, एक से ज़्यादा भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है हो तो सर्वाधिक वरीयता वाले, सर्वाधिक वरीयता वाले, सर्वाधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह का, वाले क्रियात्मक समूह है का द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न सर्वाधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह का द्वितीयक अनुलग्न के रूप में तथा बाकी बचे हुए सभी क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मानते हुए उन्हें द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में काम में लेते हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में, के रूप में लिखते हैं। नियम क्या है कि यदि मुख्य श्रृंखला में एक से ज़्यादा भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह हो, मुख्य श्रृंखला में एक से ज़्यादा भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह हो तो सर्वाधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह का द्वितीयक अनुलग्न के रूप में काम में लेंगे, बाकी बचे हुए सभी क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मानते हुए उन्हें द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में काम में लेते हैं। किस प्रकार से है नियम कि मुख्य क्रियात्मक समूह है, एक श्रृंखला है जो मुख्य क्रियात्मक समूह की संख्या एक से ज़्यादा है, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह है तो क्या करेंगे, सबसे अधिक वरीयता जिसको दी जाती है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, बाकी को प्रतिस्थापी मानकर द्वितीयक पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह ज्ञात करने के लिए अब एक ट्रिक काम में लेते हैं। ट्रिक क्या है काश अन्ना एस होता अम्मा काश अन्ना ऐसा होता अम्मा साइना अली की एल्कोहल थी अम्मी। क्या है इस ट्रिक में कि एक बार क्या होता है कि दो भाई होते हैं, तो बड़े भाई को किसी लड़की से प्यार होता है, उसका नाम था एल्कोहल,
तो उसकी जो बड़े भाई अन्ना है उसकी कुछ गंदी आदतों के कारण उन अल्कोहल के पिता उनकी शादी नहीं करवाते, तो वो क्या कहते हैं, कुछ दिन बाद में क्या होता है, अन्ना की शादी किसी और से हो जाती है और उसके बेटी होती है, उसका नाम है सायना अली। तो उसका छोटा भाई क्या कहता है, अन्ना का छोटा भाई क्या कहता है उसकी माँ से, क्या कहता है कि काश अन्ना ऐसा होता अम्मा, कि काश अन्ना आज की जैसा होता, मतलब कि अब वर्तमान में वो क्या है, सुधर गया है, उसने सारी गंदी आदतें छोड़ दी है। तो क्या होता कि सायना अली जो उसकी बेटी है कि अल्कोहल थी अम्मी, कि अल्कोहल थी अम्मी, कि उसकी अल्कोहल अम्मी होती, ठीक है। इस प्रकार हम याद करते हैं कि काश अन्ना ऐसा होता अम्मा, सायना अली की अल्कोहल थी अम्मी, काश से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, स से क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, अन्ना से क्या हो गया एनहाइड्राइड, एस से होगा एस्टर, होता से क्या हो गया एसिड हेलाइड, अम्मा से क्या हो गया एमाइड, सायना से क्या होगा साइनाइड, अली से क्या हो गया एल्डिहाइड, की से क्या हो गया कीटोन, एल्कोहल थी से थायोल, अम्मी से क्या हो गया एमिन। इस प्रकार से ये ट्रिक बन गई मुख्य क्रियात्मक समूह को याद करने की ट्रिक। ये वरीयता का क्रम भी इसका इसी प्रकार से है कि काश अन्ना ऐसा होता अम्मा, किस प्रकार से वरीयता का क्रम यहाँ से स्टार्ट होगा, काश अन्ना से इस प्रकार से जाएगा, फिर वो यहाँ से इस प्रकार से जाएगा, सबसे पहले काश कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हेलाइड, फिर एमाइड, उसके बाद में साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर थायोल, फिर क्या होगा लास्ट में एमीन। ये वरीयता का क्रम है, सबसे ज़्यादा वरीयता किसकी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे कम किसकी है एमीन की। अब इसको हम याद करते हैं, अब मुख्य क्रियात्मक समूह की जो वरीयता सारणी है वो लिखते हैं, हम एक साइड लिखते हैं सीरियल नंबर, दूसरी तरफ लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप और इसके बाद में लिखते हैं नेम। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर पर आता है एस ओ थ्री एच, सल्फोनिक एसिड। तीसरे नंबर पे क्या आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एनहाइड्राइड। चौथे नंबर पे क्या आता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर। पांचवे नंबर पे क्या आता है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स एसिड हेलाइड। छठे नंबर पे कौन आता है, एमाइड, C डबल बॉन्ड ओ एन एस टू एमाइड। सातवें नंबर पे कौन आता है, साइनाइड, C डबल बॉन्ड एन साइनाइड। आठवें नंबर पे कौन आता है, C डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। नौवें नंबर पे कौन आता है, C डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन। दसवें नंबर पे कौन आता है, OH एल्कोहल। ग्यारहवें नंबर पे कौन आता है, SS थायोल। बारहवें नंबर पे कौन आता है, NS2 एमीन। ठीक है, अब हम इन ग्रुप को ध्यान में किस प्रकार रखेंगे, उनको याद किस प्रकार के रखेंगे, कौन सा ग्रुप कौन सा है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसकी हम एक ट्रिक देखते हैं कि सात तो इस प्रकार से हैं, C डबल बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6 C डबल बॉन्ड ओ इस प्रकार से हैं। सात ग्रुप में तो इस प्रकार से ये सी डबल बॉन्ड ओ कॉमन है, जब यहाँ पर OH लग जाता है तो उसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब यहाँ पर लग जाता है OC डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप लग जाता है तो उसका नाम हो जाता है एनहाइड्राइड, क्या हो जाता है एनहाइड्राइड। ठीक है, जब यहाँ पर लग जाता है ओ आर ग्रुप लग जाता है
तो ये बन जाता है एस्टर, और फिर यहाँ पर लग जाता है एक्स यानी कि हैलाइड, एसिड हैलाइड, तो बन जाता है एसिड एसिड हैलाइड। फिर क्या लग जाता है, NH2 ग्रुप लग जाता है, तो ये बन जाता है एमाइड एमाइड। फिर क्या लग जाता है एच, तो क्या बन जाता है एल्डिहाइड एल्डिहाइड। फिर क्या लग जाता है यहाँ पे आर ग्रुप लग जाता है, तो क्या बन जाता है कीटोन। इस प्रकार से हम सात सेम सेम जो फंक्शनल ग्रुप है किस प्रकार से है ये, ये ग्रुप यहाँ पर सेम सा है, और इसके बाद में ये ओ एस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओ सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है तो एन हाइड्राइड बन जाता है। ओ आर ग्रुप जुड़ जाता है एस्टर, एक्स जुड़ जाता है एसिड हैलाइड, एन एस टू जुड़ता है तो एमिड एमाइड, हाइड्रोजन जुड़ जाता है एल्डिहाइड, आर जुड़ जाता है तो बन जाता है कीटोन। बाकी इसके सात हो गए, 12 हैं टोटल, 12 के अंदर कौन से उसके एक 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 हो गया। यहाँ पे कितना है ओ एच होता है तब बन जाता है एल्कोहल, ठीक है। एस एस होता है तो उसका बन जाता है थायोल, एन एस टू होता है तो उसका बन जाता है एमिन। ये तो सबको पता है, नॉर्मल सिंपल से हैं। और कौन सा बच गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या हो गया साइनाइड। साथ ही हो गया 8, 9, 10, 11, ये कौन सा बच गया SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह उनको हम दो भागों में बांटते हैं, क्रियात्मक समूह को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है श्रृंखला समापन, श्रृंखला समापन करने वाला क्रियात्मक समूह है, और एक है श्रृंखला समापन नहीं करने वाला क्रियात्मक समूह। श्रृंखला समापन करने वाला क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है। दूसरा कौन सा है, श्रृंखला का समापन, श्रृंखला समापन नहीं करने वाला क्रियात्मक समूह है। श्रृंखला का समापन करने वाले क्रियात्मक समूह है कौन से आते हैं, कौन से आते हैं, वह क्रियात्मक समूह है जिनके पास कार्बन होता है, श्रृंखला समापन करने वाले होते हैं सिर्फ कीटोन को छोड़कर। क्या होगा इसकी लाइन, वह क्रियात्मक समूह है जिसके पास कार्बन होता है श्रृंखला समापन करने वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह है होते हैं किसको छोड़कर, सिर्फ कीटोन को छोड़कर। कीटोन और बाकी क्रियात्मक समूह किस में आ जाएंगे, फिर सेकंड कैटेगरी के में श्रृंखला समापन नहीं करने वाले क्रियात्मक समूह की कैटेगरी में आ जाएंगे। इनको अलग अलग लिख लेते हैं, सबसे पहले कौन सा है जो श्रृंखला समापन करने वाला क्रियात्मक समूह है, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। श्रृंखला समापन करने वाले क्रियात्मक समूह में कौन कौन से आएंगे, पहला है COOH, दूसरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तीसरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, चौथा ग्रुप है C डबल बॉन्ड OX, पांचवा ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONS2, छठा कौन सा है C ट्रिपल बॉन्ड N, और सातवां कौन सा हो गया C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एन हाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड, ठीक है। इस प्रकार से ये चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए, श्रृंखला समापन करने वाले क्रियात्मक समूह है। सिर्फ ये सब में क्या है, कार्बन है, सिर्फ एक कीटोन में भी कार्बन है लेकिन वो श्रृंखला समापन नहीं करने वाला ग्रुप है, ठीक है। उनको भी लिख लेते हैं, नॉन चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा आ जाएगा,
इसमें एग्जांपल पहला आ गया, सबसे पहले तो SO3H, दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया, कीटोन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये अक्सर बोल लग जाते हैं कि कीटोन भी इसको मानने लग जाते हैं कि इसमें चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में। तीसरे नंबर पर है एल्कोहल, चौथे नंबर पर कौन सा है थायोल, और पाँचवें नंबर पर कौन सा है NH2। ठीक है तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।